जो मोदी है ना इंडिया के लोगों के लिए वो बाईस रहमत बना हुआ है। वो अपना आप दूसरों पर निछावर करने के लिए आते हैं ताकि वो अपनी मेहनत को दूसरों पर लुटाएं और अपनी मेहनत करके मुल्क को ऊंचा बनाएं। कैमरे पर मुस्लिम ने बोला, मैं सच्चा मुसलमान हूँ, मोदी पर सच ही बोलूंगा। मेरे कहने से मोदी जी ने एक मेरे शहर बिजनौर की कस्बे में सियासत में एक मस्जिद का काम कराया जो 25 साल से अटका हुआ था। मैं कैसे मोदी को बोला कहा तो पीएम आपसे फोन गया और फौरन वो काम हो गया। हमारी सोल्यूशन हमारे हाथों में है, अगर हम करना चाहें, अगर हम में दिलेरी हो, अगर हम में दम हो। वो अनफॉर्चुनेट जो मैं बार बार कहता हूँ, हमें दम नहीं है। आजाद भारत के इतिहास में ऐसा पहली बार हो रहा है कि अमेरिका के लोग कह रहे हैं कि उन्हें भी प्रधानमंत्री मोदी जैसा प्रेसिडेंट चाहिए। बिल्कुल ठीक सुना आपने, भारत के प्राइम मिनिस्टर से अमेरिकन इतने इम्प्रेस हो चुके हैं कि अब अमेरिका में भी नरेंद्र मोदी जी की डिमांड हो रही है। इस मुस्लिम ने बोला, मोदी को जीतने से सिर्फ अल्लाह ही रोक सकता है। मोदी जी को तो अगर अल्लाह ही चाहेगा तो रुकेंगे नहीं, इनके तो बस की बात है नहीं। ये सब जो है सत्ता के लालची है, ऐसी की तैसी साले गठबंधन की देख लगे हम अल्लाह वाले हैं। जो आदमी अल्लाह की बात नहीं मानता, दाढ़ी नहीं रखता और क्या क्या बताऊं यार, बस इतना सा भी झूठ बोल गया। मेरी गलत कटवा दो अगर मैं कहीं झूठ बोल रहा हूँ तो। मैं ना सऊदी गया था, मुझे इंडिया मिला। अच्छा। वो कहता हमारी हुकूमत इतना फैसिलिटेट करती है हमें कि आप सोच भी नहीं सकते। ठीक हो गया। तो मोदी को कहते बुरा कहते हैं, लेकिन हमें हमारे यहाँ बुरा कहते हैं। बुरा कहते हैं लेकिन हमें कोई तंग नहीं करता वहाँ पे गुजरात में। वो मुस्लिम था। मुस्लिम था, मैं बैठ के डिबेट हुई उसके साथ। अच्छा। एक घंटा बैठा था उसके साथ मैं, कहते कोई परेशानी नहीं है हमें। हमने इंडिया की हिस्ट्री में क्या रोल प्ले किया अगर आप देखें, हमने इंडिया की हिस्ट्री में कोई रोल नहीं प्ले किया। रंजीत सिंह ने यहाँ पे थोड़ा सा रोल प्ले किया हमारे लिए, बिल्कुल ठीक है, पर हम रंजीत सिंह को तो मानते नहीं। 79% है प्यू रिसर्च के हिसाब से प्रधानमंत्री मोदी की रेटिंग्स जो हैं। तब अमेरिका में भी प्रधानमंत्री मोदी जैसे लीडर की मांग हो रही है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। दरअसल अमेरिका के एक बहुत ही बड़े बिजनेसमैन ने ये ख्वाहिश जताई है कि काश अमेरिका में भी भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जैसा कोई नेता होता। जी वो अपनी आवाम के लिए बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, वो बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं, हम इंडिया के साथ मुकाबला कर ही नहीं सकते। मोदी जी को तो अगर अल्लाह ही चाहेगा तो रुकेंगे नहीं, इनके तो बस की बात है नहीं। ये सब जो है सत्ता के लालची है बस, और सब सत्ता के लालची है। सब सत्ता के लालची हैं। सत्ता का लालची तो मोदी को भी कह सकते हैं कि जो कह रहा है कि मैं तीसरी बार बनूंगा। नहीं बिल्कुल नहीं, बल्कि तो वो कुछ कर रहा है ना, इसलिए तो कह सकते हैं कि चलो 10 साल मुसलमान जो खूब इकट्ठा है इसी हॉल में मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के द्वारा, ये किसकी देन है। ये बात बता दे, ठीक है कि इंडिया हमारा दुश्मन है मान लेते हैं, चले दोस्त कौन है आप बता दे। चले ये नहीं, ये आप बताएं, आप बता दे। जो वक्त आ चुका हुआ है ना, इस वक्त में आपका दोस्त वही है। चाइना तो नहीं कहने लगे, इसके साथ आपके बेनिफिट्स हैं। ठीक है ठीक है, अब बेनिफिट्स का लेवल जब तक आप एक लेवल पे नहीं आएंगे। नहीं नहीं, वो बात सुने, उन्होंने क्या बोला। मैंने कहा इंडिया के साथ बेनिफिट्स बना ले, उधर हम ये सोच लेते हैं नहीं जी वो तो हिंदू है। ईरान भी है ना हमारे साथ, वो क्या किया उन्होंने लास्ट टाइम हमारे साथ, हो गया वो इंडिया से बदतर किया उन्होंने। ये बहुत ज्यादा लम्हा फिक्रिया है पाकिस्तान के लिए। वो पाकिस्तान से जो वहां के ट्रेडर हैं वो पाकिस्तान से ट्रेड भी नहीं कर रहे हैं, और वो दे आर मूविंग टुवर्ड्स ईरान, ईरान के साथ ट्रेड कर रहे हैं, और जो दूसरी स्टेट्स हैं जो रशियन स्टेट्स हैं उनके साथ। कांग्रेस ने कभी इकट्ठा किया, कांग्रेस ने मुसलमानों को मरवाया है, मलियाना, हाशमपुरा, मुरादाबाद, बिजनौर, मुजफ्फरनगर और कितनी जगह हैं, सब जगह मेहरठ मुस्तकिल पीएससी पड़ी रहती थी, मुसलमान कमाने खाने से परेशान थे वहाँ पर। मोदी बिल्कुल कोई खाना नहीं डालते, तंज कसते हैं कि बीजेपी तो हिंदू मुस्लिम करते हैं। उससे क्या होता है, आप कोई हिंदू मुस्लिम हुई क्या जब से मोदी जी आए हैं, कोई हिंदू मुस्लिम राइट्स हुआ क्या। वो उनके भड़काए हुए जो लोग हैं वही उल्टी सीधी बातें करके कोई झगड़े पगड़े कर लेते हैं या मॉब लिंचिंग हो जाती है, अदरवाइज ऐसा कुछ नहीं है। मैं पक्का वाला मुस्लिम हूँ, जो शायद तुम्हें ना मिले कहीं देखने को भी, पक्के वाले पक्का वाला मुस्लिम, नॉट मुसलमान, नॉट हनफी शाफी मालकी हमली, ना कोई सुन्नी टुन्नी पुन्नी कुछ नहीं, मुस्लिम, अल्लाह का बंदा और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती, कुरान हदीस को मानने वाला फकत। मोदी को कह रहे हो कि बनेगा, तो मोदी तो अल्लाह का बंदा है, वो कोई किसी और का बंदा है क्या। भगवान अल्लाह भगवान दो हैं क्या, एक ही तो है, एक ही हमारे माता पिता हैं, आदम और हव्वा, उसकी भी हम बीवी, वो हमारी माँ है, एक ही माता पिता की संतान है, हम सगे बहन भाई हैं, सौतेले नहीं है। भारत वाली बात नहीं है, क्या समझते हैं इंटरनेशनल लेवल पे हमारा क्या इमेज जाता है, इंडिया का क्या इमेज जाता है, उनके प्राइम मिनिस्टर का क्या इमेज जाता है। देखें जी वो अपनी आवाम के लिए बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, वो बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं, हम इंडिया के साथ मुकाबला कर ही नहीं सकते। उनका अपने मुल्क के लिए जीना मरना, उनका अपने मुल्क के लिए, हमारे सियासतदानों का जीना मरना अपने बच्चों के लिए, अपनी दौलत के लिए, लंदन के लिए है। हम इधर पाकिस्तान वो
इधर पाकिस्तानी बाहर जाते हैं कि जॉब करने के लिए, पैसा पाकिस्तान में भेजेंगे, हमारे सियासतदान पाकिस्तान आते हैं पैसा कमा के बाहर लेके जाएंगे। आप कह रहे हैं मुकाबला बनता नहीं, तो हमें तो जो सब 75-76 साल से हर चीज में मुकाबला बताया जाता रहा कि हम टांग ऊंची, ये टांग ऊंची, हमें तो ये हमारी बस टांग ही ऊंची रही है, बाकी हम किसी काम में ऊंचे नहीं रहे। लोगों को सब बाग दिखाए जाएंगे कि हम आएंगे, दूसरे किनारे भा देंगे, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, लेकिन पूरी कौम इन हुक्मरानों से ये सवाल कर रही कि जो वादे और दावे पहले आप लोगों ने किए थे वो तो पूरे कर दे, वो कब वफा होंगे? मुल्क में माशी बहरान है जिससे अवाम बराह रास्त मुतासर हो रही है, और हमारे जो वजीर आजम साहब हैं मियां मोहम्मद शबाशिर साहब, उन्होंने कौम से सस्ता आटा दिलवाने का वादा किया था अपने जज्बाती अंदाज में। आप जो नई गवर्नमेंट है उसको कैसे देखते हैं, क्या ये भिखारी रहेंगे या कि आपको लगता है कि हम टफ रिफॉर्म्स करके एक नया रास्ता जो है वो निकाल सकते हैं मुल्क के लिए? देखिए जी, हमारे पास कोई नई ट्रिक्स नहीं है। ये देखिएगा, आप 2-3 महीने में उम्रे के लिए सऊदी अरेबिया चले जाएंगे, उसके चंद एक दिनों के बाद ये चले जाएंगे कहीं और सैर करने के लिए, दिखाने भीख मांगने के लिए। भीख का कशकोल शुरू हो जाएगा IMF के आने से। और ये मैं बार बार कहता हूँ, मैं ये नहीं कहता IMF का प्रोग्राम नहीं, IMF का प्रोग्राम तो एक जरूरियात है, उसके बगैर गुजारा नहीं, दुनिया के निज़ाम में IMF के बगैर गुजारा नहीं। तो IMF के साथ तो प्रोग्राम करना ही करना है, पर हमारी सोल्यूशन IMF के हाथ में नहीं है। IMF हमारे लिए कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि IMF के पास भी वो हथियार ही नहीं जो हमें चाहिए। हमारी सोल्यूशन हमारे हाथों में है, अगर हम करना चाहें, अगर हमें दलेरी हो, अगर हमें दम हो। वो अनफॉर्चुनेट जो मैं बार बार कहता हूँ, हमें दम नहीं है। आप कहते हैं अवाम नाराज हो, अवाम कोई नाराज नहीं, अवाम बड़े आराम से छोटी छोटी चीजों पर बिक जाती है। हाँ कामयाब जवान प्रोग्राम, हाँ फलाना प्रोग्राम, हाँ फलाना प्रोग्राम, आपको हम थोड़ी सी चीजें दे देंगे। अवाम तो अजीब अवाम है, मुझे तो हैरानगी होती, मैं सोचता हूँ कि वो फ्लाई ओवर बनाती है और कौन तालियां बजाती है। फ्लाई ओवर तो गाड़ी वाले के लिए बनता है भाई, फ्लाई ओवर तो आपके मेरे लिए है ही नहीं। फ्लाई ओवर पर ना साइकिल चला सकते हैं ना पैदल चल सकते हैं, तो फ्लाई ओवर तो गाड़ी वाले के लिए बनता है। तो ये लोग किस लिए खुश होते हैं? जाना माना ये प्योर रिसर्च सेंटर है और सब लोग उसका लोहा मानते हैं, उसकी रिपोर्ट्स को बड़े शौक से देखा पढ़ा जाता है, बड़ी क्रेडिबल रिपोर्ट्स होती हैं दोस्तों। आज मैं आपको बताऊंगा प्यू रिसर्च सेंटर ने भारत के बारे में एक रिपोर्ट निकाली और क्या रिपोर्ट निकाली है। 79% है प्यू रिसर्च के हिसाब से प्रधानमंत्री मोदी की रेटिंग्स जो हैं। 8 ऐसे देश हैं जो ये चाहते हैं कि एक बड़ा दमदार धाकड़ लीडर होना चाहिए, 8 देश हैं, उसमें से भारत भी है। और 2019 का सर्वे ये जो प्यू रिसर्च सेंटर ने करा था उसमें ये बोला था कि सिमिलर प्रेफरेंस फॉर अ स्ट्रॉन्ग लीडरशिप 2019 में भी था और 2024 में भी ये लीडरशिप का मामला है। बीजेपी को 73% प्यू सर्वे में मिले हैं, वो चाहते हैं कि एक ईमानदार बंदा हो, स्ट्रॉन्ग बंदा हो टॉप पे, और उसको खुली छूट दे दी जाए कि ठीक है आप देश चलाओ और देश की तरक्की करो, ऐसा प्यू रिसर्च सेंटर की रिपोर्ट कहती है दोस्तों। एक तो उनको स्ट्रॉन्ग लीडर भी चाहिए, यानी कि जो स्ट्रॉन्ग लीडर है वो स्ट्रॉन्ग तो है, यहां पे मोदी जी की बात करेंगे क्योंकि 2014 के बाद मोदी जी प्राइम मिनिस्टर हैं, स्ट्रॉन्ग लीडरशिप प्रोवाइड कर रहे हैं मोदी जी, लेकिन डेमोक्रेसी पे भी लोगों का विश्वास बढ़ा है, राइट? अभी दोस्तों हुआ क्यों है ये, इसका ये मैटर क्या है? पूरा मैटर सिंपल है यार, इसमें ज्यादा देखिए, इंडियंस को सक्सेस का, मुझे पाकिस्तान से कॉल आते रहते हैं और एक पाकिस्तान के सीनियर हैं हमसे काफी, वो कहते हैं यार कि, और टचवुड कहते हैं, वो कह रहे हैं मेजर साहब टचवुड, इंडिया से हर रोज अच्छी खबरें आती हैं यार, कभी आपका ये हो गया, कभी मोदी जी यहां का इनॉग्रेशन कर रहे हैं, कभी ये सड़क बन रही है, कभी ये ब्रिज बन रहा है, कभी ये वंदे भारत ट्रेन लॉन्च हो रही है, कभी कुछ हो रहा है, मतलब इंडिया में कुछ ना कुछ हो रहा है। और दोस्तों ये जो जीत की आदत है ना, दिस हैबिट ऑफ विनिंग, ये अब इंडियंस के खून में चली गई।